कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में सफाई कर्मी लगातार अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। सफाई कर्मियों के इस कार्य की सराहना करते हुए शुक्रवार को दीवान बाजार के पार्क में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के ऊपर फूल बरसाकर तथा कोरोना से बचाव संबंधित सामग्री देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सही है है। कोरोना से संबंधित जो है यहाँ पर शहर में पूरे देश में कोरोना का वायरल जो फैला हुआ है उसमें रोकथाम के लिए हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस परिप्रेक्ष्य में एक भावना आई जिसके लिए हमने अली नगर वार्ड और दीवान बाजार वार्ड के दोनों करीब लगभग 70-75 कर्मचारी हैं इन लोगों को सम्मानित करने का एक मन में भाव आया और आज ये काम हम लोगों ने किया है। इसमें उन लोगों को हाथ का ग्लव्स है और मास है, उसके बाद साबुन है, डिटॉल साबुन है और खाने के लिए कुछ सामान सामग्री है ये दिया गया है और पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया गया है। इस बीच में हमारे नगर आयुक्त महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी और भी जो है सहयोगी अधिकारी गण आए थे और इस मोहल्ले के आसपास के कुछ लोग जो है संभ्रांत लोग भी उपस्थित हुए हैं और यह कार्यक्रम बहुत ही मन में एक अच्छा भाव आया। कितने सहयोग ये लोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आ रही यह कार्यक्रम आर्य नगर दीवान बाजार पार्क में हुआ है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वह घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन करें और दूरी बना करके डिस्टेंस बना करके कार्य करें, मोदी जी के साथ वचनों का पालन करें और आज जो है ज़रूरत है कि हम सब इस लड़ाई में पूरा सहयोग करें अपने मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, तभी यह कोरोना हमारे बीच से भागेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सभी लोगों के आयोजकों के प्रति और जो विशेषकर यहाँ के जिलाधिकारी हैं, SSP महोदय हैं, पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है और पत्रकार बंधु हैं, सभी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, उनका नमन करते हैं और इस कोरोना में सब लोगों का सहयोग, जन सहयोग, तमाम व्यापारी लोग हैं उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है और इसी तरह से 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें सब लोग मिलजुल करके इसका पालन करें और इसको भगाने में पूर्ण सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी के प्रति बहुत बहुत विनम्र भाव से उनका नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप देखे होंगे नगर निगम गोरखपुर के सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने वार्ड में लगातार कार्य कर रहे हैं जिससे महानगर में सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आम लोगों से भी प्रशंसा मिल रही है और यह आम लोग आगे आकर या फिर जनप्रतिनिधि आगे आकर नगर निगम की ओर से इनका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान करने के पीछे उद्देश्य ये है कि इनके कार्यों को पहचान मिले और साथ में ये लोग महसूस करें, लोगों को ये रियलाइज़ करें कि इस समय भी सभी सफाई कर्मी पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ कार्य में लगे हुए हैं और इस तरह के आयोजन में क्या दिया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इनका सम्मान किया गया। जब ये संदेश लोगों तक जाता है तो लोग प्रेरित होते हैं, इनके कामों की सराहना की जाती है, इनके कार्य की महत्ता समझते हैं लोग और साथ ही इन्हें भी अच्छा लगता है। तो इनके उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है कि इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए।